नमस्कार, मैं हूँ ईशा भार्गव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। सुबह सपा के राष्ट्रीय महासचिव से हमारे संवाददाता विवेक शाही ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने सपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार में साइकिल पर ही बम विस्फोट हो जाया करता था, लेकिन अब प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज है। बातचीत के दौरान वो और भी कई मुद्दों पर मुखर होकर बोले। चलिए सुनाते हैं आपको कि क्या कुछ कहा उन्होंने। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा इस समय जोरों शोरों पर है। उत्तर प्रदेश में भी ये यात्रा अपने रफ्तार से चल रही है। तमाम विपक्षी पार्टियों को उन्होंने उत्तर प्रदेश में इस यात्रा में आमंत्रण भी दिया, न्योता भी दिया कि वह की यात्रा में शामिल हो। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुभाषपा के बड़े नेता अरुण राजवती। अरुण जी, ये बताइए कि आपके पास भी जो है भारत जोड़ो यात्रा का जो है न्योता आया था, आपके यहाँ से कोई बड़ा पदाधिकारी या फिर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष इस यात्रा में सम्मिलित नहीं हुए, क्या कुछ वजह रही? देखिए, कांग्रेस पार्टी का वो यात्रा है और वो भारत जोड़ो दे उत्तर प्रदेश से पहले जितने राज्यों में उछल रहा था और उत्तर प्रदेश में जब वो आगमन होना था तो श्री सलमान खुर्शीद जी का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि आप भी इसमें आमंत्रित हुए हैं और आप भी आइए, हमारे शामिल हुई यात्रा में। स्वयं भारतीय समाज पार्टी का भी यात्रा चल रहा है, पहले से ही निर्धारित यात्रा चल रहा है। एक सावधान यात्रा हमने उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में चलाया, रैली भी किया, जनसभा किया। बिहार के 13 जिलों में जा करके हमने जनसभा रैली किया और पटना के गांधी मैदान में 27 अक्टूबर 2022 को हमने समापन भी किया। उसके बाद दूसरी यात्रा हमने महिला हक अधिकार महारैली का शुरू किया। हमने 18 दिसंबर को हमने मऊ में रैली किया महिलाओं का। उसके बाद 27 दिसंबर को हमने सुल्तानपुर में रैली किया। अब 8 जनवरी को हम करने जा रहे हैं बस्ती में रैली करने जा रहे हैं। उसके बाद हम 26-27 जनवरी को हम गोरखपुर में करेंगे। तो ये हमारा एक पहले से हमारा निर्धारित कार्यक्रम चल रहा है और उसी लिए हम लोग उस यात्रा में नहीं शामिल हुए और वो यात्रा कांग्रेस पार्टी का है। ठीक बात है कि वो एक भारत जोड़ो नाम दिए हैं, लेकिन उसका असली नाम हम जो देते हैं वो विपक्ष जोड़ो यात्रा है। विपक्ष जोड़ो यात्रा, प्रधानमंत्री बनाओ अभियान, लेकिन सब उसमें प्रधानमंत्री बन रहे हैं, चाहे वो श्री अखिलेश यादव जी हों, चाहे बहन जी हों, ममता बनर्जी जी हों, श्री केजरीवाल जी हों, राहुल गांधी हों, जो जिस दल का नेतृत्व कर रहा है या जो जिस दल का अपने अपने राज्य में जो प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो खुद उसके कार्यकर्ता चाहते हैं हमारा नेता प्रधानमंत्री बने। जब सब प्रधानमंत्री बनेंगे तो फिर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से मुकाबला तो सब मिल के तो कर नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए जो गठबंधन बनाने की कवायद चल रही है विपक्षी एकता जोड़ो की, उत्तर प्रदेश में आके धराशायी हो गई। वो भारत जोड़ो नहीं, विपक्षी जोड़ो यात्रा था जो उत्तर प्रदेश में समाप्त हो गई। अच्छा, आप पहले जो है भाजपा के साथ थे, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मंत्री भी थे सरकार में, फिर उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में सपा के साथ जाना सही समझा, फिर सपा के बाद आप जो है अकेले लड़ रहे हैं। इस समय सुभाषपा जो है वो सरकार के प्रति जो है कम हमलावर है, जबकि समाजवादी पार्टी के प्रति ज़्यादा हमलावर है, ऐसा क्यों? देखिए, हम मुद्दों के प्रति हमलावर हैं। जो दल मुद्दों के को की बात कर रहे हैं करे तो हम उसकी समर्थन करें। हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने की बात करते हैं, सरकार तो कह रही है कि हम लागू करना चाहते हैं, लेकिन दबाव बनाने के लिए विपक्ष की बड़ी पार्टी की जिम्मेदारी होती है कि नहीं होती है? जब सदन में हम सत्ता पक्ष के सामने अपनी बात रख रहे हैं कि आज पूरे उत्तर प्रदेश के लोग घरेलू बिजली के बिल से परेशान हैं, आज उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट न लागू होने से अति पिछड़े वर्ग के लोगों को सामाजिक न्याय नहीं मिल पा रहा है, महिलाएं आज दारू बंद न होने की वजह से प्रताड़ित हो रही हैं, तो उनके पति मार रहे हैं, पीट रहे हैं, वो जेल की हवा खा रहे हैं, तो जो समस्या उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष की समाजवादी पार्टी है, वो तो इसका साथ देने को तैयार नहीं है। हम कह रहे हैं एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा लागू हो, इससे क्या सिर्फ एक समाज का भला होगा, समाज के हर वर्ग के भला होगा, वो उसके समाज में पढ़ा लिखा आदमी बनेगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन जब सदन में इस पर चर्चा हो रही है, चाहे बेरोजगारी की, चाहे महंगाई की, चाहे भ्रष्टाचार की, हर मुद्दे पर जब हम चर्चा कर रहे हैं तो जो बड़ा दल है वो हमारा साथ देने को तैयार नहीं है। तो लोग कह रहे हैं कि हमारे पर हमला करते हैं, उनके पर हमला नहीं करते हैं। तो ये समस्या सबकी है और समस्या सबकी है तो सबको साथ देना चाहिए, सदन में तो ये साथ देते नहीं हैं। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि जब इनकी सरकार थी, जैसे आप श्री अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि जातिवाद जनगणना होनी चाहिए, कब होनी चाहिए? जब सरकार रहेगी तो नहीं होनी चाहिए, जब सरकार से बाहर हो जाएंगे तो होनी चाहिए। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि जब आपको मौका जनता ने दिया, चाहे वो बहन जी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी,
जिन मुद्दों को लेकर के वो जनता के बीच में गए, उन मुद्दों के वो जनता ने समर्थन किया। आने के बाद उसको करना चाहिए ना, आप किए नहीं तो किससे कहने जाएं? जो जो नहीं आया है उससे हम कहने जाएंगे? अच्छा, एक वीडियो जो है वायरल हो रहा है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का वीडियो है, रसड़ा में एक कार्यक्रम था, कार्यकर्ता सम्मेलन था, जहाँ पे उन्होंने अपने ही अंदाज में कहा कि 10 रुपये की रसीद कटाओ और 3 साल की सुरक्षा गारंटी पाओ। ये तो सभी दलों का एक नियम है, प्रक्रिया है। पार्टियों का, पार्टियाँ अगर सदस्यता अभियान नहीं चलाएंगी तो लोग कैसे जुड़ेंगे? हर दलों का अलग अलग नियम है, प्रोसेस है, प्रक्रिया है। हमारी पार्टी ने 10 रुपये का सदस्यता अभियान बनाया है कि 3 साल तक, चाहे वो थाना की समस्या, ब्लॉक की समस्या, तहसील की समस्या, जिला मुख्यालय की समस्या, चाहे आवास की समस्या, पेंशन की समस्या, नाली, खड़ंजा, पुल, पुलिया, कोई भी समस्या, अगर किसी कार्यकर्ता को कोई प्रताड़ित करता है, पीड़ित आदमी अगर हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो हमारी जिम्मेदारी, हमारे कार्यकर्ता, हमारे जिम्मेदार नेताओं की जिम्मेदारी है उसकी सुरक्षा करना। और उसी 10 रुपये में वो हमारे साथ जुड़ा रहता है। अब जैसे है, आप हमको नंबर दिए, हमको आपको बाइट देना होगा तो हम आपको बुलाएंगे, आप हमें नंबर नहीं देंगे तो हम आपको क्या जानते हैं कि आप क्या है, आप किस तरह के? आप मदद तभी करेंगे जब कोई आपकी पार्टी का सदस्य होगा। नहीं नहीं, हम तो मदद सबकी करते हैं, लेकिन जब पीड़ित आदमी रहेगा और उसकी सूचना हम तक आने के लिए अगर हम उसको सदस्य उसके गांव में नहीं बनाएंगे तो वो हमारे पार्टी के बारे में नहीं जानेगा तो हमारे यहाँ कैसे आएगा? जो हमें नहीं जानेगा तो हमारे वाइबा नहीं करेगा। इसीलिए हम अपने बारे में बताते हैं कि हम आपके लिए, न्याय के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए हम लड़ रहे हैं। 10 रुपये का सदस्य बनाओ, आप ब्लॉक का अध्यक्ष बनो, विधानसभा अध्यक्ष बनो, महासचिव बनो, उपाध्यक्ष बनो, संगठन में जुड़ो। और हर दल ये काम करता है। समाजवादी पार्टी में 25 रुपया लिया जाता है सक्रिय सदस्य बनाने का, उसमें 5,000 लिया जाता है। एक बुलेटिन जारी होता है उसमें 20,000 लिया जाता है। पूछिए ये काहे लिए लेते हैं? ये भी तो वह का मौका करने के लिए लेते हैं। लेकिन सुहेल दे भारतीय समाज पार्टी 10 रुपया लेती है, तो 10 रुपये में हम उनको 3 साल दे रहे हैं और 20,000 में 3 साल देते हैं, लेकिन उनसे कोई पूछने नहीं जाएगा। इसीलिए सुहेल दे भारतीय समाज पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं, संगठन में लोग आ रहे हैं और हर वर्ग के लोग खड़े हो रहे हैं। इसीलिए हर दल के लोग जो इस अभियान से डरे हुए हैं, भयभीत लोग हैं, प्रताड़ित हो गए हैं, वो हमारा कार्यक्रम देख देख करके हताश हो गए हैं, क्योंकि वो सब कमरे में बैठ के राजनीति कर रहे हैं। हमारे नेता जनता के सुख दुख में, आप बताइए पूरे हिंदुस्तान का कोई ऐसा नेता हो कि किसी मरनी में जाता हो, निधन हो गया उनके दुख में पहुंच गया, शादी हो पड़ गई किसी कार्यकर्ता के यहाँ तो सुख में पहुंच गया, बताएं कितने लोग जाते हैं। आखिरी सवाल, लखनऊ में G20 का सम्मेलन होना है, फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होनी है, तमाम जो है मंत्रिमंडल का प्रतिनिधित्व मंडल जो है वो विदेशों से दौरा करके मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंप चुका है, मुख्यमंत्री खुद जो है मुंबई दौरे पे थे लोगों से मिलने के लिए, फिल्मकारों से मिलने के लिए, ताकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आए, इस मुद्दे पे आपका क्या कहना है? देखिए, हर राज्य के मुखिया का जिम्मेदारी होता है कि उसके राज्य का विकास हो। कोई भी दल, हमारी भी पार्टी की जिस दिन सरकार बनेगी तो जितने लोग इधर उधर उछिया रहे हैं, मांग रहे हैं, जा रहे हैं, मौला रहे हैं, राज्य में निवेशकों को बुला रहे हैं, तो हम भी वही काम करेंगे कि हम जाएंगे उद्योगपतियों से मिलेंगे, उनसे कहेंगे आओ हमारे राज्य में निवेश करो, इंडस्ट्री लगाओ, कारखाना लगाओ और यहाँ के नौजवानों को रोजगार दो। लेकिन मूल समस्या क्या है कि जब तक आप शिक्षित समाज नहीं बनाएंगे तब तक आप किसी भी प्रदेश का या गाँव का विकास नहीं कर सकते। हमारे पार्टी का स्पष्ट मानना है कि प्राथमिक विद्यालय में आज भी टीचर की कमी है, टेबल बेंच ब्लैकबोर्ड की कमी है और अच्छे भवन का निर्माण न होने की वजह से आज भी गरीब के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में महंगे फीस होने की वजह से वहाँ नहीं पढ़ पा रहे हैं, सरकारी स्कूल में अच्छे टीचर न होने की वजह से वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। इसलिए कि सरकार अगर निवेशकों को ला रही है, ये तो स्वागत योग्य बात है कि हमारे राज्य में निवेशक आएंगे, छोटे छोटे कारखाने लगेंगे तो यहाँ उद्योग धंधा बनेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, तो ये तो समाजवादी पार्टी भी की थी, ऐसा नहीं है। ये जो रिवर उवर फ्रंट घोटाला वोटाला का मामला आ रहा है, ये कहाँ से बना था? लेकिन अखिलेश जो है इस पर तंज कस रहे हैं, इसको फ्लॉप बता रहे हैं। फ्लॉप तो वो उसके लिए नहीं बताएंगे, जो 300 करोड़ का वो नचवा देख रहे थे सैफाई महोत्सव, उसके लिए क्या कहेंगे? उनसे पूछिए कि वो अपने घरे से लिया के 300 करोड़ का नचवा देख रहे थे, और या जो इटावा में जो विकास कार्य कराए हैं वो अपने घरे से कराए थे, वो भी तो उद्योगपति आकर के निवेश किए थे। तो जो जिसकी सरकार होती है वो जाते हैं दूसरे देशों में, वहाँ अपने राज्य का प्लान देते हैं कि हम अपने राज्य में ये प्लान कराने जा रहे हैं, ये इंडस्ट्री लगाने जा रहे हैं, ये अस्पताल बनवाने जा रहे हैं, ये कारखाना बनवाने जा रहे हैं, तो लोगों को रुचि होती है और आते हैं। अब तो वातावरण भी अच्छा, पहले था भय का वातावरण,
पहले अपराध का वातावरण था, अब तो उद्योगपतियों को एक लग गया कि नहीं चलो अब राज्य में सुरक्षा है, पहली जिम्मेदारी कानून व्यवस्था मजबूत होना चाहिए। तो आप मानते हैं कि योगी सरकार में कानून व्यवस्था अच्छी है? अच्छा है, आप बताइए। अच्छा नहीं होता तो अपराधी लोग बाहर नहीं घूमते, सब अपराधी लोग देख रहे हैं कैसे कह रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। अब कुछ बोलोगे ना बुलडोजर पहुंच जाएगा घर, वहाँ बोलना मत। इसीलिए अपराधी भी डरे हुए हैं, व्यापारी भी सुरक्षित हैं, और जो बड़े बड़े आतंकवादी हमले होते थे, आप बताओ एको हमला हुआ नहीं? तो यहाँ एक से एक हमला होता था, साइकिल ही बम रख देते थे, साइकिल की सरकार में साइकिल पर बम रख दिया जाता था। अब सोचो आज साइकिल पर बम रखने की हिम्मत कोई जुटा नहीं पा रहा, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा उत्तर प्रदेश की जनता को मिल रहा है। इसीलिए तो लोग निवेश करने के लिए अगर आ रहे हैं तो श्री अखिलेश यादव जी इसीलिए बेचैन है, वो भाजपा का नाम लेना बंद कर दें, एक वोट नहीं मिलेगा इनको। मतलब ये बताइए, आप लगातार जो है कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, सरकार का GIS और कानून व्यवस्था समर्थन कर रहे हैं, आने वाले निकाय चुनाव और उसके बाद जो एक साल का टर्म बचा हुआ है आम चुनाव के लिए, लोकसभा के लिए, क्या सुभाषपा अकेले जाना प्रेफर करेगी या फिर BJP के साथ जा सकती है, क्योंकि बातें बहुत सारी चल रही हैं? देखिए अभी हम नगर पंचायत अभी आरक्षण प्रक्रिया में है, आयोग बना हुआ है, वो आयोग अभी सर्वे करेगा, रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। हमारी पार्टी का मानना है कि जो आयोग नगर पंचायत के लिए बना है और जो 2018 में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट बनी है, दोनों को एक साथ सबमिट करें और सर्वे परीक्षण एक साथ कराएं, ताकि जो वास्तव में 27% आरक्षण का लाभ अकेले समाजवादी पार्टी के इटावा वाले खाए हैं, वो उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के लोगों को मिले। इसीलिए हम चाहते हैं कि इसका विभाजन हो, पिछड़ा अति पिछड़ा सर्वाधिक पिछड़ा 7% में मजबूत हो, 9% में कमजोर पिछड़े वर्ग के लोग हों और 11% में एकदम कमजोर पिछड़े वर्ग के हों। तो इससे क्या होगा, सबकी भागीदारी होगी, जो संविधान का एक प्रस्तावना है कि सबकी भागीदारी है, सबको न्याय और सबको सम्मान, तो वो सबको बराबरी का अधिकार मिलने लगेगा, यही कमवत हम कराना चाहते हैं। सवाल ये है कि आप अकेले निकाय और आम चुनाव लड़ेंगे या फिर गठबंधन के साथ? अकेले लड़ेंगे दोस्त, अकेले चुनाव लड़ा जाएगा और मजबूती चुनाव लड़ा जाएगा और इस बार इतिहास रचा जाएगा और बहुत मजबूती से हमारी पार्टी कार्यकर्ता संगठन, जहां हमारी ताकत है, देखो हम सच बता दें शहर में मेरा वोट नहीं, झूठ काहे लिए बोलेंगे कि हमारा पूरा वोट हमारे साथ है, हम लोगों का वोट देहात में है, ये चुनाव हो रहा है शहर का। अगर शहर में मेरी ताकत थोड़ी मजबूत हो रही है, वहां हमें परिणाम मिलेगा, तो हमें मालूम हो जाएगा कि जनता हमें स्वीकार अब शहर में भी कर रही है, आने वाले समयों में हमारे साथ खड़ी होगी, हम उतने ताकत बनाएंगे। और हम तो मेयर का भी चुनाव लड़ते हैं, नगर पंचायत नगर पालिका पार्षद चुनाव लड़ते हैं, इससे पहले भी चुनाव जीते थे, 1 दर्जन से ज़्यादा अध्यक्ष बनाए थे, 150 से ज़्यादा पार्षद बनाए थे, अब कोशिश करेंगे कि पार्षद 300 हो जाएं, हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष 20-25 बन जाएं, तो कोशिश में लगे हैं। कामयाब कहाँ कितना होते हैं वो तो आने वाले समय बताएगा, लेकिन अकेले दम पर चुनाव सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी लड़ेगी। तो ये थे हमारे साथ सुभाषपा के बड़े नेता अरुण राजभर जी, जिन्होंने सीधे तौर पे बताया कि अकेले जो है सुभाषपा आने वाले निकायों को लड़ने की तैयारी कर रही है और उनका ये कहना है कि इस बार वो आने वाले चुनाव में इतिहास रचेंगे। वहीं उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट G20 और कानून व्यवस्था पर योगी सरकार की तारीफ भी की है। मैं विवेक शाही, Prime TV, लखनऊ। इस खास खबर में बस इतना ही, ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए Prime TV। नमस्कार। आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस सरोकार।